हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं कोफाउंडर हूं अपस्किल का। और आज का जो वीडियो है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग के बारे में। अभी हाल फिलहाल में गूगल में एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कि इंडेक्सिंग का रिपोर्टिंग नहीं हो रहा था, तो आज हम लोग लेमन टर्म में सीखेंगे, एक बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे इंडेक्सिंग काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये इंडेक्सिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी डिटेलिंग हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इंडेक्सिंग काम करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई ये होता क्या है। तो गूगल का एक प्रोसेस है आपके वेबसाइट को रैंकिंग करने का। वो प्रोसेस को सबसे पहले वो गूगल फॉलो करता है, उसमें बाद में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेस होते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है, तो वो तीन स्टेप प्रोसेस है जो लगभग SEO में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा। पहला जो स्टेप है वो होता है कि भाई क्रॉलिंग, दूसरा स्टेप होता है इंडेक्सिंग, और तीसरा स्टेप होता है शोइंग रिजल्ट। नाउ इसको समझने के लिए आप सिंपल से चीज है, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से इसको समझते हैं कि आपके पास में, आप लोग सबके पास में एक स्मार्टफोन होगा। अब उस स्मार्टफोन के अंदर में आप बहुत सारे नंबर को सेव करके रखते होंगे, राइट? उसमें एक कॉन्टेक्ट का, एक कॉन्टेक्ट करने का एक पूरा का पूरा ऐप है, कॉल करने का ऐप होता है। नाउ इस मोबाइल फोन के अंदर में, अगर मान लेते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर में एक कॉन्टेक्ट के ऐप में आप जाओ और लेट से मेरा नंबर आपने सेव नहीं किया है, और उस कॉन्टेक्ट के अंदर में आप अगर अरबाब उस्मानी लिखते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि क्यों नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पे जो मेरा नंबर है आपके मोबाइल पे सेव नहीं है, लेकिन अगर मेरा नंबर आपके मोबाइल पे सेव होता है तो आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि कोई भी सर्च जो होता है काम करता है उसी बेसिस पे काम करता है कि जब तक उसके इंडेक्स में, यानी कि उसके डेटाबेस में अगर डेटा नहीं होगा तो वो डेटा शो नहीं करेगा। सिमिलरली गूगल भी सेम चीज पे काम करता है, अपने डेटाबेस के अंदर में हर वेबसाइट का ये डेटा रखता है, और जब ये डेटा रखेगा तो उसी, जब कोई तब सर्च करेगा तभी जाके शो होगा। इसका मतलब कि डेटा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी का जो शुरुआत का जो प्रोसेस, दो प्रोसेस है इसी से रिलेटेड है। एक को बोलते हैं क्रॉलिंग, जो क्रॉल करता है वेबसाइट के अंदर में, यानी कि यहाँ पे गूगल के छोटे छोटे बॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसको कौन करेगा, क्रॉल कौन करेगा, तो ये गूगल के बॉट्स होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल बॉट बोलते हैं। तो ये गूगल बॉट आपके क्रॉल करते हैं। अब गूगल बॉट क्या होता है, तो गूगल बॉट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक ही काम होता है कि ये अलग अलग पेजेस में जाके ये उनके पब्लिक जो भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा को स्क्रैप करे, स्क्रैप करने के बाद में अपने डेटाबेस में सेव करें। तो गूगल का बॉट, आप पहले क्या होता था कि गूगल का डेस्कटॉप का अलग बॉट होता था और मोबाइल का, मतलब डेस्कटॉप मोबाइल का पहले सेम होता था। अभी गूगल ने क्या किया कि मोबाइल का बॉट को अलग कर दिया, क्योंकि गूगल की 60-70% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से आ रही है। इस वजह से उसने मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग कर दी, यानी कि पहले मोबाइल वाला बॉट आएगा वो देखेगा और उसका डेटा जो सेव करेगा, इसी सेव करने के प्रोसेस को बोला जाता है इंडेक्सिंग, कि आपका डेटा सेव हो गया तब जाके कोई सर्च करेगा तो जाके आपका शो करेगा। तो पहले अब ये जो गूगल का बॉट है, अब ये दो एरिया में बट गया है, एक मोबाइल का अलग हो गया है और आपका डेस्कटॉप का, यहाँ पे डेस्कटॉप का ये आपका अलग हो गया है। तो मोबाइल और डेस्कटॉप में दो अलग अलग आपको बॉट होंगे। तो डेस्कटॉप का अलग आपके पास में जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोबाइल का है तो ये अलग से आपके पास में जाएगा, राइट? नाउ ये एक सॉफ्टवेयर है अगेन, जिसका काम एक ही है कि आपके सारे डेटा को जाके क्रॉल करना। अब इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे स्पाइडर भी बोला जाता है इसको क्रॉलर भी बोला जाता है, गूगल बॉट भी बोला जाता है, अलग अलग इसका नाम है, राइट? नाउ जस्ट बिकॉज आपके वेबसाइट को ये क्रॉल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंडेक्स करेगा। कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें वो इंडेक्स नहीं करता, जैसे वो आपके वेबसाइट को वर्दी नहीं फाइंड करेगा तो आपको इंडेक्स नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट अगर वायलेट करती है गूगल पांडा और पेंगुइन का, यानी कि अगर वो उसमें बहुत सारे खराब बैड बैकलिंग बने हैं तो वो अगर उस वजह से भी नहीं करता है। अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करो तो आपको डी इंडेक्स भी कर देता है, मतलब पहले इंडेक्स किया होता है उसको हटा भी देता है अगर आप उसको लगता है इस बात को। या आपके इसमें डुप्लीकेट टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, डुप्लीकेट कंटेंट है, उस टाइम में भी वो आपको क्रॉल करता तो है लेकिन इंडेक्स नहीं करता है। ये इंडेक्स करने का जो ये चीज है ये इसी बेसिस पे करता है। नाउ अब ये जो हो गया, ये तो हो गया सिंपल तरीका कैसे काम करता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इंडेक्सिंग करने का या क्रॉलिंग करके इंडेक्सिंग कराने का दो तरीका होता है। पहला तरीका जो होता है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट तरीके में आप क्या करते हो कि फर्स्ट तरीके में आपके पास में गूगल सर्च कॉन्सोल का एक अकाउंट है जिसको फ्री में सेटअप कर सकते हो। गूगल सर्च कॉन्सोल को
फ्री में हो जाता है, उसके बहुत सारे वीडियोज है, उसमें बहुत सारा डेटा गूगल आपको प्रोवाइड करता है, बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो इस सर्च कंसोल के अंदर में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड साइट मैप। तो साइट मैप सेक्शन के अंदर में जाके आप क्या कर सकते हो, साइट मैप को सबमिट कर सकते हो। नाउ अगर आप साइट मैप को सबमिट करोगे, अब साइट मैप क्या होता है पहले जानते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं। तो साइट मैप एक फाइल का स्ट्रक्चर है जो हर वेबसाइट में होता है, जो गूगल के बॉट को बताता है, देखो भाई तुम मेरे वेबसाइट के अंदर में आए हो तो इस ऑर्डर में आप मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हो। वो फीड करता है, यूआरएल फीड करता है, ताकि गूगल के बॉट का काम आसान हो जाए। तो यहां पे आप कैसे बुलाओगे, आप साइट मैप अपने वेबसाइट में डाल दोगे, लेकिन कॉल कैसे करोगे, बुलाओ कैसे कि मेरे पास साइट मैप एग्जिस्ट, तो आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू बुलाते हो। नाउ सर्च कंसोल के थ्रू वो जाता है आपके साइट मैप में, साइट मैप में 1-to-1 प्रायोरिटी के बेसिस पे वो जो भी प्रायोरिटी आपने सेट किया उसके बेसिस पे वो उसको क्रॉल करता है, और क्रॉल करने के बाद में वो क्या करेगा कि वो आपको जो भी वो आपको जी अपने हिसाब से वो उसको इंडेक्स करेगा, जिसको इंडेक्स करना होगा इंडेक्स करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, अगर डुप्लीकेट है तो नहीं करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। नाउ एक और तरीका होता है इंडेक्स करने का, वो तरीका होता है आपको खुद ब खुद खोज ले। ये तरीका हम लोग मोस्टली बैकलिंक्स के लिए यूज करते हैं कि खुद ब खुद आपको खोज लें। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपका हाई ट्रैफिक वेबसाइट होता है वहां पे हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, सोशल मीडिया हुआ, पिंटरेस्ट हुआ, सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट, जहां पे लगातार आता है, तो वहां से भी गूगल खोज के आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके इंडेक्स कर सकता है। हालांकि वो ऑर्डर में नहीं होगा, वो इंडिविजुअल हो सकता है। सर्च कंसोल के अंदर में एक और तरीका होता है जिससे आप इंडेक्स करवा सकते हो, वो इंडिविजुअल यूआरएल को डाल के आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो आप इंडिविजुअल यूआरएल के साथ में भी उसमें ऑप्शन होता है कि कोई नया पोस्ट आपने किया और उसको बहुत जल्दी करना है तो उसको भी आप डाल के सर्च कंसोल के अंदर में इंडेक्स करवा सकते हो, गूगल के बॉट को बुला सकते हो। राइट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। राइट, ये बहुत ही सिंपल, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि हमें एक चीज समझने की जरूरत है, वो होता है क्रॉल बजट होता है। अब ये क्रॉल बजट क्या क्या बला है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि इसको एक्चुअली में होता क्या, मैं इसको समझा देता हूं, फिर उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। कि देखो क्रॉल बजट क्या होता है, कि ऐसा नहीं होता कि गूगल के हर बॉट कुछ ये लेके आए, मतलब कि कुछ अनलिमिटेड डेटा लेके आते, ऐसा नहीं होता गूगल, क्योंकि वो दिन भर में 5 बिलियन पेजेस को क्रॉल करते हैं, तो उनको उनके पास में डेटा का एक लिमिट दे दिया जाता है जिसको क्रॉल बजट बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मान लेते हैं आपकी वेबसाइट जो है 3000 पेज की है, लेट से आपकी वेबसाइट जो है टोटल आपकी वेबसाइट का साइज है वो लेट से 3000 पेजेस हैं आपके, ठीक है। नाउ क्रॉल की जो कैपेसिटी, क्रॉल करने की जो कैपेसिटी है वो 1000 पेजेस तक ही है जो गूगल बॉट की क्रॉल करने की कैपेसिटी है। राइट, तो यहां पे टोटल पेजेस आपके कितने थे 3000, क्रॉल करने की कैपेसिटी कितनी हुई, क्रॉल बजट कितनी हुई, लेट से 1000 पेजेस है, ऐसे पता नहीं कि लोगों को पता नहीं, गूगल रिवील नहीं करता, लेट से है। तो अभी क्या होगा, आपका 1000 पेज को क्रॉल करके इंडेक्स तो कर लेगा, मैक्सिमम इंडेक्स होगा 1000 पेज को, लेकिन 2000 पेज अभी भी आपके, यानी कि 1/3 पेज ही आपके इंडेक्स हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं अगर आपको दिखा दूं, तो ये कोई मुई की वेबसाइट है जो कि डेली के लगभग 50-100 आर्टिकल डालती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, साइट मैप 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए, ऐसे करके बहुत सारे साइट मैप बने, अप टू 102 साइट मैप बने। अगर मैं किसी में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके अंदर में जब जाओगे तो अंदर में बहुत सारे लिंक देखो डले हुए हैं, 1000 लिंक के लगभग में होंगे यहाँ पे डले होंगे। राइट, तो बेसिकली क्या करता है कि ये डायनामिक साइट मैप है, तो अगर आपको ज्यादा क्रॉल कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक लिमिट के बाद में अपने साइट मैप को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका 3000 का जैसे पेजेस का जो साइट मैप बन रहा है वो टोटल 3000 पेजेस का नहीं बनेगा, वो 1000-1000 पेजेस का 3 साइट मैप बनेगा, और तीनों इंडिविजुअल जा होके क्या होगा, इंडिविजुअल होके वो सर्च कंसोल के अंदर में आप वहां पे सबमिट साइट मैप करोगे, यानी साइट मैप 1 को अलग सबमिट करोगे, साइट मैप 2 को अलग सबमिट करोगे, साइट मैप 3 को अलग सबमिट करोगे। राइट, तो वहां जाके अगर आप उसको सबमिट करते हो, जितने भी साइट मैप होते सबमिट करते हो, तो अलग अलग गूगल का बॉट आएगा, और अलग अलग जब गूगल का बॉट आता है तो अलग अलग अपना क्रॉल बजट लेके आता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपका जैसे 1000 पेजेस पहले केस में हो रहा था, अभी आपका चांसेस बढ़ जाता है कि 1000 से 2000 पेज या 2500 पेज या इवन 3000 पेज भी इंडेक्स हो सकता है, उसका चांसेस बढ़ जाता है जब आप मल्टीपल साइट मैप से सबमिट करते हो और मल्टीपल साइट मैप से बुलाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं इस चीजों को, क्रॉल बजट के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि क्रॉलिंग के लिए गूगल का बॉट आया, आप उसको बॉट को आप दो तरीके से बुला सकते हो, या तो आप सर्च कंसोल के थ्रू साइट मैप सबमिट कर सकते हो, या आप हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट में दे सकते हो। दूसरा पॉइंट,
जब वो क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद में जब आप उसका डेटा सेव करेगा तो उसको इंडेक्सिंग, आप डेटा देख भी सकते हो। जैसे कि आपको कोई इंडिविजुअल यूआरएल देखना है कि भाई ये वाली यूआरएल हमारी, यू नो दैट, हमारी जो यूआरएल है हमारी गूगल के ऊपर अंदर में नहीं है, तो सिंपल उस यूआरएल को आप गूगल कर सकते हो। आपको गूगल कर लोगे तो आपको वो पता चल जाएगा, जैसे कि ये यूआरएल मुझे देखना है, जैसे ये तो मैं इसको क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस आई विल गूगल इट। तो अगर गूगल करूंगा तो देखो यहाँ पे गूगल यहीं पे दिखा दिया, राइट। तो आप गूगल भी कर सकते हो, तो गूगल में भी आपको बता देगा कि वो आपके आपके यूआरएल इंडेक्स हुई कि नहीं। अगर आपको और भी ज्यादा देखना है तो आप साइट कॉलन koimoi.com या कोई भी वेबसाइट का आप डालोगे तो वहां से भी आपको ये आपको इंडिविजुअल बता देगा कितने पेजेस आपके इंडेक्स हो रहे हैं, कैसे इंडेक्स हो रहे हैं, ये भी आपको साइट कॉलन भी आपको दिखा देता है। यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा अपना नेक्स्ट बिग ब्रांड डॉट इन, इसको भी डाल दूंगा तो इट विल शो नेक्स्ट बिग ब्रांड एज वेल, राइट। तो जितने पेजेस हमारे इंडेक्स हैं उसको भी हमारे दिखाएंगे, तो एक मोटा मोटी लमसम अंदाज मिल जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, बट आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि भाई कितने हो रहे हैं, राइट, कितने पेजेस हो रहे हैं। जैसे 249 पेजेस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके हो रहे हैं, 250 पेजेस के लगभग में हो रहे हैं, राइट। गलत भी डेटा ये हो सकता है क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है नहीं। आपको अगर असली डेटा देखना है तो आपको सर्च कंसोल में जाके ही देखना पड़ेगा। तो एनीवेज, तो ये हो गया कि आपका इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, और उसके बाद में जाके जब कोई सर्च करता है तो 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर के अंदर में गूगल से टेस्ट करता है आपकी, आप कितना ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, उसको टेस्ट करता है और उसके बाद में रिजल्ट शो करता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल येट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्रॉलिंग कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट को जल्दी इंडेक्स करवा सकते हो, जल्दी क्रॉल करा सकते हो। जितना जल्दी क्रॉल करोगे उतना जल्दी आपका इंडेक्स भी होगा। अलग अलग तरीके से आप चीजें कर सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो। दोस्तों आपने देखा कि कितना ईजी तरीके से हम लोग क्रॉलिंग को समझ सकते हैं, इंडेक्सिंग समझ सकते हैं। यस, एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट उसके अंदर में और भी मल्टीपल बहुत सारे थ्रेडेड है, बट इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजिली सीखा जा सकता है। और ऐसे ही हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर में भी सिखाते हैं। अगर आपको हमारा क्लासरूम ज्वाइन करना है तो आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे अपस्किल के पेज पे आप कोई मैसेज भेजते हैं तो आपको हम लोग रिप्लाई करेंगे, या डिस्क्रिप्शन के अंदर में, या मेरा प्रोफाइल अगर आपको मिले तो मुझे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपको बताएंगे। आपसे मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।